नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शनि देव को ज्योतिष में न्याय देवता कहा जाता है और वह व्यक्ति के कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि शनि देव ने 29 अप्रैल को मकर राशि में गोचर किया, जिसके बाद वह जुलाई में वक्री हुए थे और फिर 23 अक्टूबर को फिर से मकर राशि में ही मार्गी हुए। अब वो 17 जनवरी तक मकर राशि में विराजमान रहेंगे, लेकिन जिसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिसकी इस दौरान धन दौलत में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते हैं ये राशियां कौन सी हैं। मिथुन राशि, आप लोगों के लिए शनि का गोचर लाभप्रद साबित हो सकता है, क्योंकि शनि देव आपकी गोचर कुंडली की आठवें भाव में विचरण कर रहे हैं, जिसे गुप्त रोग और आयु का स्थान कहा जाता है। इसलिए इस समय आपको किसी पुरानी बीमारी से निजात मिल जाएगी। साथ ही आपकी गोचर कुंडली में हंस और भद्र नाम का राजयोग बन रहा है, जिससे आपके इस समय आपकी लोकप्रियता काफी बढ़ जाएगी। मकर राशि, आप लोगों के लिए शनि का गोचर अत्यंत शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि यह गोचर आप लोगों की गोचर कुंडली के लग्न भाव में हो रहा है। इसलिए इस समय नौकरी पेशा जातकों को भी सफलता और इंक्रीमेंट मिलने के योग प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही इस समय आपको कार्यस्थल में जूनियर और सीनियर दोनों का साथ मिलेगा। मीन राशि, शनि ग्रह का जनवरी तक मकर राशि में विराजमान रहना आप लोगों को काफी सफलदायी साबित होगा, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली के शनि में 11वें भाव में भ्रमण करेंगे, जिसे ज्योतिष में इनकम और लाभ का भाव माना जाता है। इसलिए आपको गुप्त स्रोतों से धन कमाने में कामयाबी मिलेगी। वहीं इस समय आपको संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।